हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ट्वेल्थ कॉमर्स अगेन। वेलकम टू बीएसएस ऑनलाइन क्लासेस। वी आर डिस्कसिंग द डायरेक्टिव चैप्टर एंड इन द डायरेक्टिव हम लोग पढ़ रहे हैं मैस्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशंस। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस द मैस्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशंस। जैसे कि इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस कि एक पर्सन का जो मैस्लोस ने जो है डिफाइन किया कि एक पर्सन का जो नीड्स है वो एक हायरार्की लेवल, एक हायरार्की के हायरार्की बेस पर जो है एक ह्यूमन का नीड्स जो है ऊपर की तरफ इंक्रीज करता है। जैसे कि पहला जो है नीड्स है वो साइकोलॉजिकल नीड्स या बेसिक नीड्स कहते हैं। जो सेकंड जो है नीड्स है अकॉर्डिंग टू द मैस्लोस हायरार्की नीड्स जो पर्सन का जिन्होंने बनाया है, जो सेकेंड नीड्स है वो आपका सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स। जस्ट उसके ऊपर जो आपका होता है बिलोंगिंगनेस नीड्स, स्टेटस नीड्स और उसके बाद से जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इस सब चीज को मैं डिस्कस कर लिया है एंड ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। तो ये जो हायरार्की जो मैस्लो ने दिया हुआ एक पर्सन का जो है नीड्स हायरार्की है और इस हायरार्की नीड्स को जो है हर एक ऑर्गेनाइजेशन इवन टूडे ऑल द ऑर्गेनाइजेशन दे फॉलो दिस हायरार्की इन ऑर्डर टू नो द requirement of the employees and so that if the work if the managers or the employer satisfy such type of needs which are mentioned by the Maslow's तो उसे जो है employee को motivate करने में आसानी होगा और employee जो है motivate होगा अगर इनके needs को जो है समझ करके उसको जो है satisfied किया जाए तो employees motivate होगा और जो है वो बेस्ट करने की कोशिश करेगा या फिर अपना 100% एफर्ट प्रोवाइड करेगा। सो स्टूडेंट्स, जो मैस्लोस थ्योरी नीड्स है वो कुछ अजम्पशंस पे बेस्ड है। टुडे वी विल डिस्कसिंग अबाउट द अजम्पशंस ऑन व्हिच द मैस्लोस हायरार्की नीड्स आर डिपेंड ऑन अजम्पशंस। पहले दिया हुआ है, फर्स्ट अजम्पशन से दिया हुआ है पीपल बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स। पहला है पीपल का बिहेवियर, हम लोगों ने डिस्कस किया कि नीड्स जो है हमारे बिहेवियर को जो है स्टिमुलेट करता है, हमारे एक्शन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो वही कह रहा है। तो जो किस अजम्पशन पे से पहला अजम्पशन ये है कि जो पीपल का बिहेवियर है, जो उसका एक्शन है, वो जो है किस पे आधारित है, उसके नीड्स पर, उसके आवश्यकताओं पर, उसके डिमांड्स पर जो है आधारित है, बेस्ड है। सेटिस्फेक्शन ऑफ सच नीड्स इन्फ्लुएंसेस देयर बिहेवियर। और जब वो नीड्स जो है फुलफिल होता है, चाहे सेटिस्फाइड करता है, चाहे सेटिस्फाइड करने की कोशिश करता है, तो वो नीड्स जो है या सेटिस्फाइड नीड जो है, चाहे सेटिस्फेक्शन जो है, उसके बिहेवियर को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, तो पहला ये दिया हुआ। सेकेंड एजम्पशन दिया हुआ यहाँ पर कि पीपल नीड्स आर इन हायरार्किकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक नीड्स टू द हायर लेवल। ठीक है, इसमें क्या रहा है कि जो पीपल का जो नीड्स है वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होकर के जो है वो टॉप लेवल पर पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि हम जो है पहले अपने साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं और डायरेक्टली हम मूव कर गए हम अपने स्टेटस के या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे। ऐसा कभी नहीं होता है। तो क्या रीजन बता रहा हूं मैं भी, तो जब भी एक पर्सन का नीड्स जो है दे पीपल नीड्स आर इन हायरार्किकल ऑर्डर, हमेशा वो हायरार्किकल ऑर्डर में होता है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक नीड्स टू द टॉप मोस्ट नीड्स। ठीक है, जैसे कि हायरार्की में मैस्लो ने क्या दिया हुआ हायरार्की के अंदर कि पहला हमारा साइकोलॉजिकल नीड्स है, उसके बाद हमारा जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। जो थर्ड एजम्पशन दिया हुआ इसके अंदर फर्स्ट दिया हुआ ए पर्सन मूव्स टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ द हायरार्की ओनली व्हेन द लोअर नीड्स आर सेटिस्फाइड। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने जो हायरार्की बनाया हुआ है, ठीक है, जैसे कोई हायरार्की है ये आपका जो साइकोलॉजिकल नीड्स है और ये आपका जो है सिक्योरिटी नीड्स है, तो हम सिक्योरिटी नीड्स पे तभी पहुंचेंगे जब हम जो है अपने बेसिक नीड्स से सेटिस्फाइड हो पाएंगे। ठीक है, जब तक हमको जो है अपने बेसिक नीड्स का सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तब तक जो है हम अपने नेक्स्ट सेटिस्फेक्शन लेवल को हम अचीव नहीं करेंगे, अचीव करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही बता रहा है इसमें कि ए पर्सन मूव टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ द हायरार्की ओनली व्हेन द लोअर नीड्स आर सेटिस्फाइड। जब ये सेटिस्फाइड होगा
तभी हम जो है नेक्स्ट लेवल पर जो है हम पहुंचेंगे या पहुंचने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर एग्जांपल दिया था कि अगर एक एम्प्लॉय जब कंपनी के अंदर एंटर करता है, ज्वाइन करता है, तो फर्स्ट उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, बेसिक सैलरी। ठीक है, तो जब वो बेसिक सैलरी जो है उसको मिल रहा है, जो भी सोच करके वो जो है उस कंपनी को ज्वाइन किया है, वो बेसिक सैलरी मिल रहा है, वो सेटिस्फाइड हो रहा है, तभी जा करके जो है वो सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में सोचेगा, अदरवाइज नहीं सोचेगा। क्या मतलब है, जब हमारा प्रेजेंट का जो नीड्स अगर सेटिस्फाइड हो रहा है, तभी हम जो है उसके ऊपर के नीड्स के बारे में सोचेंगे। ठीक है, और इसमें जो है एक और लिख दिया हुआ है कि एक पर्सन जो है मोटिवेट कब होगा, जब ये मान लीजिए कि हमारा साइकोलॉजिकल फुलफिल हो गया, ठीक है, तो मोटिवेट होगा इन ऑर्डर टू सेटिस्फाइड हिज अपर नीड्स। ठीक है, कभी भी सेटिस्फाइड नीड्स कभी भी एक एम्प्लॉय को चाहे एक पर्सन को मोटिवेट नहीं करता है। क्या मोटिवेट करता है, उसके अपर जो नीड्स हैं वो मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज को चाहे पर्सन को कि हमको इस नीड्स को फुलफिल करना है। ठीक है, तो ये कंसेप्शन है कि सेटिस्फाइड नीड डजंट मोटिवेट द एम्प्लॉय और द पर्सन, ओनली द हायर लेवल ऑफ द नीड्स मोटिवेट द एम्प्लॉय और द पर्सन। सो स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल द assumptions of the Maslow's hierarchical needs. This topic is financial and non-financial incentive. What is incentive? Incentive means all the measures, वो हर एक तरीका जो एक कंपनी जो है यूज करता है इन ऑर्डर टू मोटिवेट हिज एम्प्लॉय सो दैट ही कैन अर्न हिज मैक्सिमम पोटेंशियल। ठीक है, तो ऑल द मीन्स विच आर यूज बाय द एम्प्लॉयर बाय द मैनेजर्स टू मोटिवेट हिज और एम्प्लॉयज सो दैट ही कैन गेन द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द हिज और हर एम्प्लॉय साइड। ठीक है, वो हर एक मीजर्स फॉर एग्जाम्पल, तो इसी को बारे में डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ये इंसेंटिव जो है एक कंपनी के अंदर दो तरह के इंसेंटिव जो है एक एम्प्लॉयर जो अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है, फर्स्ट इज द फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड सेकेंड वन इज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। ठीक है, ये दो इंसेंटिव जो है एक एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय के ऊपर जो है यूज करता है और उनको मोटिवेट करने की कोशिश करता है। एक एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने की कोशिश करता है विद द हेल्प ऑफ द इंसेंटिव, एंड इंसेंटिव आर टू टाइप, फर्स्ट इज फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड सेकेंड वन इज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। ठीक है, सो स्टूडेंट्स टुडे वी डिस्कस द फाइनेंशियल इंसेंटिव। इंसेंटिव मींस व्हाट इज फाइनेंशियल इंसेंटिव, मतलब कि इंसेंटिव्स द मेजर्स व्हिच आर द इंसेंटिव्स व्हिच आर यूज्ड बाय द मैनेजर्स वी कैन मेजर इन द टर्म ऑफ मनी और मॉनेटरी। ठीक है, तो जिस इंसेंटिव को हम मॉनेटरी टर्म में या मनी में मेजर कर सकते हैं उस इंसेंटिव को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द फाइनेंशियल इंसेंटिव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर टू मोटिवेट द एम्प्लॉय, क्योंकि जो है आपका जो फाइनेंस जो मनी जो सैलरी जो है वो क्या करता है, एक एम्प्लॉय को जो है एक वेल्दी पर्सन बनाता है, एक पावरफुल पर्सन बनाता है। ठीक है, मनी जो है क्या, अगर हमारा सैलरी इंक्रीज हो रहा है तो हमारा पोजीशन इंक्रीज हो रहा है और जो है हमारा नेम और फेम मार्केट के अंदर चाहे कंपनी के अंदर जो है इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मोटिवेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटिवेशन फैक्टर है, मोटिवेशनल टूल है, इसके थ्रू जो है हर एक एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय के ऊपर जो है यूज करके उसके मैक्सिमम पोटेंशियल को गेन करने की कोशिश करता है। डियर स्टूडेंट्स, सो तो फंक्शनल इंसेंटिव में कौन कौन से इंसेंटिव आते हैं, पहला चीज किया हुआ पे एंड अलाउंसेस। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ फंक्शनल इंसेंटिव, फर्स्ट इज पे एंड अलाउंसेस, सेकंड वन इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव, प्रॉफिट शेयरिंग, को पार्टनर्स और स्टॉक ऑप्शन, रिटायरमेंट बेनिफिट एंड लास्ट वन इज प्रीरिक्विजिट। तो दीज आर ऑल द फाइनेंशियल इंसेंटिव, और इंसेंटिव को यूज करके मैनेजर जो है अपने एम्प्लॉय का जो है मैक्सिमम आउटपुट गेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो पे एंड अलाउंसेस, पे अलाउंसेस देखिए, पे मींस बेसिक सैलरी एंड अलाउंसेस, अलाउंसेस मतलब कि गिविंग एक्स्ट्रा ओवर द बेसिक सैलरी। ठीक है, तो
अलाउंसेस में कई तरह के अलाउंसेस होते हैं। देखिए जब कंपनी जो है एक एम्प्लॉय के बेसिक सैलरी के ऊपर जब एक्स्ट्रा अमाउंट जब देता है, फाइनेंशियली जब एक्स्ट्रा अमाउंट देता है तो उसको क्या बोलते हैं, अलाउंसेस बोलते हैं। ठीक है, और हमारा बेसिक पे क्या है कि हम जितना वर्क कर रहे हैं, देखिए इन्फ्लेशन अलाउंसेस का जो कैलकुलेशन जो होता है इट्स कैलकुलेशंस ऑन द इन्फ्लेशन रेट, मतलब कि महंगाई दर के हिसाब से जो है अलाउंसेस को जो है कैलकुलेट किया जाता है। बेसिक सैलरी जो है हमारा क्या है, हमारा बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो है जो अमाउंट मिल रहा है वो हमारा बेसिक सैलरी है। ठीक है, और यू कह सकते हैं कि जितना हम वर्क कर रहे हैं किसी कंपनी के अंदर उस वर्क का जो है कंपनसेशन है, उस वर्क का रेमुनरेशन है। लेकिन समय एक साथ नहीं रहता है, कभी महंगाई बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, जो इन्फ्लेशन रेट है तो जो हमारा अलाउंसेस जो है हमारा इन्फ्लेशन रेट पर जो है कैलकुलेट, क्या इन्फ्लेशन रेट चल रहा है उसके हिसाब से जो है हमको अलाउंसेस को जो है कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये पे एंड अलाउंसेस बहुत जरूरी है कि अब देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, किसी भी ऑपरेशन के अंदर काम कर रहे हैं, हमारी सैलरी है, लेकिन हमारे सैलरी अगर जो है इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, चाहे कंपनी इंप्लॉयर हमको इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो हम मोटिवेट नहीं होंगे, हम उस कंपनी को स्विच ओवर कर देंगे और दूसरी कंपनी में हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही मोटिवेशनल टूल है, या फिर जो है एक पर्सन एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से जो है अपने इम्प्लॉय के बेसिक सैलरी में जो है अलाउंसेस को ऐड करके प्रोवाइड करें। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या होगा, प्रोडक्टिविटी लिंक्स लिंक्ड वेज सिस्टम। ये कोई नया नहीं है, हम लोगों ने जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हम लोगों ने पढ़ा है कि पीस वेज सिस्टम उसी के बारे में डिस्कस कर रहा है कि कोई इम्प्लॉय है प्रोडक्टिविटी वेज प्रोडक्टिविटी लिंक वेज, मतलब कि जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके बेस पर जो है वर्कर्स को जो है वेज प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, इसलिए डिस्कस करेंगे, मतलब कि उसका जो है एक फिक्स रेट है, सैलरी उसके पास सैलरी जो मिल रहा है फिक्स है, लेकिन इफ द वर्कर्स दे वांट टू अर्न मोर, अगर वो अधिक अर्न करना चाहता है महीने में तो वो जो है अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करे, तो जितना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा उससे जो है उतना ही जो है उसका जो है वेज जो है अधिक मिलेगा, तो उसका जो है वेज जो है डिपेंड करता है उसकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये एक मोटिवेशनल फैक्टर है, एम्प्लॉयज जो है मोटिवेट होता है, वो देख रहा है कि हाँ मैं जितना प्रोडक्शन करूंगा मैं जितना आउटपुट दूंगा उसके हिसाब से मेरे को जो वेज मिलेगा, तो ये जो है मोटिवेट करता है और वो एम्प्लॉय जो है मैक्सिमम देने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग मीन्स कि कंपनी, देखिए सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपनीज, ठीक है, तो खैर हम कंपनी के बारे में बात नहीं करते हैं कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं ओनर्स होते हैं, और कंपनी के अंदर क्या होता है कि जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक है, तो ओनर्स हो गए, हम यहाँ पर जो है वर्कर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं, तो अगर कंपनी को जो है प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है अपने एम्प्लॉयज को शेयर करना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आती है एम्प्लॉयज के दिमाग में, एक जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है कि ठीक है ये कंपनी जो है हम इतना मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का जो प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट जो है वो हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इट मीन्स वी आर द पार्ट ऑफ द कंपनी। ठीक है, वी आर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो प्रॉफिट शेयरिंग भी जो है वो भी जो है एक मोटिवेशनल फैक्टर है। नेक्स्ट ये आपका को पार्टनरशिप वर्सेस एंड स्टॉक ऑप्शन, दिस इज आल्सो अनदर फाइनेंशियल इंसेंटिव टूल। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को जो है अपने कंपनी का जो शेयर प्रोवाइड करता है। ठीक है, बहुत सी कंपनी में होता है, आपने देखा है कि अगर कोई किसी भी कंपनी का नया आईपीओ निकला है, आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्स्ट टाइम जब शेयर जो है कोई कंपनी ऑफर करती है तो वो शेयर जो है अपने एम्प्लॉयज को भी जो है सस्ते दामों पर जो है देती है। ठीक है, तो इस तरह का कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज को जो है मार्केट रेट से कम शेयर जो है अपने एम्प्लॉयज को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, अपने एम्प्लॉयज को दे रही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगेन अगेन जो एम्प्लॉयज जो है कि भाई एम्प्लॉयज का जो है एम्प्लॉयज ने अपने ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो इससे जो है पहली बात वो कंपनी के ऑनर बन गए,
कंपनी के जो है ऑनर हो गए, जिस जिस इम्प्लॉय ने जो है उस अपनी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो ऑनर हो गए, और प्लस जब ऑनर हो गए तो वो जो है अधिक से अधिक काम करने की कोशिश करेंगे, उनको जो एक अपनापन फील हुआ, एक अपना जो है बिलोंगनेस की फीलिंग आई, भाई ये मेरा कंपनी है, मेरा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर है, तो इससे और मोटिवेट होगा और वो काम करेगा, ठीक है, मेहनत से काम करेगा। दिस इज द को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन। नेक्स्ट क्या होगा इसके अंदर, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है। तो अगर सपोज मैं जो है एम्प्लॉई से कंपनी का और मुझे पता है कि रिटायरमेंट के बाद से मेरे को जो है प्रोविडेंट फंड मिलेगा, ठीक है, पेंशन मिलेगा, ग्रेच्युटी मिलेगा, तो ये जो है एक मोटिवेशनल फैक्टर है, ठीक है। अगर पता चला मेरे को भाई इस कंपनी में काम करो, इस ऑफिस में काम करो, लेकिन जो है पेंशन की सुविधा नहीं, पेंशन तो खैर आपका खत्म ही हो गया है, ठीक है, इसको हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम पीएफ और ग्रेच्युटी की बात करते हैं, पेंशन की बात करते हैं, अगर जो है अगर हम पीएफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो, ठीक है, तो ये क्या है एक एम्प्लॉय के लिए मोटिवेशनल फैक्टर होगा, ठीक है। इसमें क्या प्रोविडेंट फंड क्या है और आपका ग्रेच्युटी क्या है, इसमें क्या होता है कि जब कोई एम्प्लॉय की संस्था में किसी ऑफिस में वर्क कर रहा है, ठीक है, तो मैं जो है पीएफ की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो कुछ परसेंटेज अपने नौकरी के दौरान, सपोज मैं जब किसी कंपनी के सपोज कंपनी के इस वर्ष के दिन में वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे नौकरी के दौरान जो है मेरे सैलरी का कुछ पार्ट जो है, और एम्प्लॉयर मैं अपने तरफ से एम्प्लॉयर के सैलरी के कुछ पार्ट, एम्प्लॉय के सैलरी के कुछ पार्ट और एम्प्लॉयर जो है कुछ पार्ट जो है कंट्रीब्यूट करता है पीएफ में, मतलब कि मेरा पीएफ में जो है मैं अपने सैलरी कुछ भाग दूंगा और कुछ एम्प्लॉयर जो है कुछ हिस्सा जो है कंट्रीब्यूट करेगा पीएफ के अंदर, ठीक है, इसको पीएफ कहते हैं। इसको से ग्रेच्युटी एंड पेंशन, तो कहने का मतलब ये है कि पीएफ जो है आपका जो है बेसिक सैलरी के ऊपर जो है डिडक्शन होता है पीएफ का, और जो ग्रेच्युटी जो है आपका इन्फ्लेशन ग्रेच्युटी, देखिए बेसिकली ग्रेच्युटी होता क्या है, पेंशन होता क्या है कि हम हमारा जो है फ्यूचर जो है जो रिटायरमेंट के बाद जो है हम जो है फाइनेंशियल सिक्योर रहे हैं, ठीक है, और ये नौकरी के दौरान जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों मिलकर के कंट्रीब्यूट करते हैं और रिटायरमेंट बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयज को। सो दिस इज द रिटायरमेंट बेनिफिट। नेक्स्ट क्या हुआ, प्रीक्विसाइट्स। प्रीक्विसाइट्स मतलब ये भी आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव है, इसमें क्या है एक एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय को जो है कार अलाउंसेस प्रोवाइड करता है, मेडिकल एड प्रोवाइड करता है, और उनके बच्चों के एम्प्लॉय के बच्चों के एजुकेशन के जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। कार अलाउंसेस मतलब कि अब भाई अब किसी एम्प्लॉय को जो है कार लेना है, ठीक है, उसको कुछ जो है एड मिल गया, मतलब कुछ रिलैक्सेशन मिल गया, चाहे कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस मिल गया कंपनी की तरफ से, ठीक है। मेडिकल अलाउंसेस हमने देखा है बहुत सारे ऐसे संस्थाएं ऑर्गेनाइजेशन जिसके जो बच्चे अगर बीमार हो रहे हैं तो अगर वो जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर जो है अपने बच्चे का इलाज कराए तो जितना पैसा खर्च हुआ उसका कुछ पार्ट पैसा जो है कंपनी जिस संस्था में वो काम कर रहा है वो संस्था जो है उसको जो वापस कर देती है। मेडिकल एड और जो है एजुकेशन बच्चों के एजुकेशन के लिए भी जो है कंपनी जो है एड प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये जितने भी जो है इंसेंटिव्स हैं देयर ऑल द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, और इस इंसेंटिव के हेल्प से जो है एक एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉय का जो है मैक्सिमम एफोर्ट लेने की कोशिश करता है, और एम्प्लॉय भी मोटिवेट होता है, सेटिस्फाइड होता है, और वो 100% वर्क करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस आर ऑल द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नेक्स्ट वन इज, अच्छा अब दिया हुआ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, इट इज वेरी सिंपल, इसको पढ़िए आप लोग। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस दिस नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। टिल देन बाय, थैंक यू, हैव अ गुड डे।